नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के नवनियुक्त प्रभारी मंत्री आयुष, स्वतंत्र प्रभार जल संसाधन विभाग राज्य मंत्री ने जिला अधिकारियों के बैठक के पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक करते हुए कहा कि यदि मेरे कार्यकर्ताओं के साथ कोई भी अधिकारी दुर्व्यवहार करेगा तो मैं उसे उस लायक नहीं छोड़ूंगा। वही जिला मुख्यालय स्थित रेलवे स्टेशन पर ट्रेन मार्ग से जिले के प्रभारी मंत्री राम किशोर कावरे ने जिले के प्रवास पर ट्रेन मार्ग से उमरिया पहुंचे, जहां प्रभारी मंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से स्वागत किया एवं राज्य मंत्री राम किशोर कावरे ने कैबिनेट मंत्री सुश्री मीना सिंह के निवास में जाकर सौजन्य मुलाकात की एवं भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एसडीएम, तहसीलदार या अन्य अधिकारी भाजपा कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार करेंगे तो उन्हें अधिकारी से अधिकारी नहीं रहने दूंगा और उनकी खैर नहीं होगी, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं को भी अपना व्यवहार संबंधित अधिकारियों से विधिसंगत रखना होगा। वही कार्यकर्ताओं की बैठक उपरांत कलेक्टरेट कार्यालय में कोरोना की तीसरी लहर के संबंध में समीक्षा बैठक लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं समीक्षा बैठक समाप्ति के बाद जिले के प्रभारी मंत्री राम किशोर कावरे जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम लूड़ा में जनरल तस्वीर खाना पहुंचे, जहां उन्होंने मशहूर चित्रकार जुधया बाई से मुलाकात करते हुए उनके द्वारा बनाई गई चित्रकला को देखा और प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि यहां आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जो ये से अद्भुत कलाकारों के दर्शन हुए और इन कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों के माध्यम से आदिवासी संस्कृति को जिंदा रखा है। मैं यहाँ से जो देख कर जा रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ इसका प्रयास करूँगा, लेकिन एक अच्छा मंच एवं अच्छा स्थान मिले इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। वही इस दौरान जिले के प्रभारी रामकिशोर कांवरे, कैबिनेट मंत्री सुश्री मीना सिंह, बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शाहवाल सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी एवं जनगणन। तस्वीर खाना से चित्रकार जुधया बाई एम एन स्वामी एवं जिले के समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं सहित गणमान्य नागरिक और पत्रकार गण उपस्थित रहे। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट कि जिले का विकास किस प्रकार से होना चाहिए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप पे विकास होगा, सारे विभागों के काम होगा, सारे हमारे जो जिले की प्राथमिकता है उन प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाया जाएगा और हम लोग तो विकास पे भरोसा रखने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव विचार पर काम करने वाली पार्टी है। विकास के सारे आयाम को हम खोलेंगे, जहां कमी रहेगी उसको बैठ के ठीक करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद में उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, लेकिन महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। आज डीजल का रेट भी 100 रुपए पहुंच गया है। देखिए, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए क्या ऐसे कुछ सरकार करेगी जिससे उनको राहत मिले। देखिए, सरकार ने इस कोरोना महामारी में विश्व में कोरोना का प्रभाव पड़ा है, उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री जी ने 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दे के हमारे गरीब परिवारों की चिंता की, मध्यम परिवारों की चिंता की, अनेक विषयों पे। अभी सेकंड लहर में भी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी में हमारे गरीब परिवार को अनाज कैसे मिल जाए उसकी चिंता की। अद्भुत कला का भंडार है। आज मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ कि ऐसे अद्भुत कलाकारों के दर्शन हुए। मैं जो देख के जा रहा हूँ क्या कर सकता हूँ इस पर प्रयास करूँ, लेकिन एक अच्छा मंच अच्छा स्थान मिले इसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करें। आज निश्चित रूप से ये देखने को मिला, जहाँ पर लौकी पर एक कलाकृति उन्होंने बनाया है, ऐसे अद्भुत कलाकृति यहाँ पर देखने को मिला, एक अच्छा स्थान मिले। हमारे बैगा समाज के, हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने एक इस प्रकार की संस्कृति को उन्होंने जिंदा रखा। आदिवासी चीजें हमारे ध्यान में आएगा, जैसे आपने कहा हम लोग बैठ के सब लोग चर्चा करेंगे और जब तक कि हमारा प्रस्तुतिकरण, हमारा प्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, हमारा इतिहास नहीं रहेगा तो लोग इतिहास को भूल जाते हैं, इसलिए इतिहास बनाने का काम है।